अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। हमने बेटा पढ़ा था आईज़ की तीन टाइप्स होती हैं, यानी कि एक तो हमारी होती है इनर आई, एक होती है मिडल आई, एक होती है आउटर आई। तो ये आईज़ की हम डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं और उनके फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है भी इनमें डिसऑर्डर जब होता है तो वो किस वजह से होता है और उसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखें, कुछ लोगों ने ग्लासेस लगाई होती हैं, तो ग्लासेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी आई साइट वीक हो चुकी होती है। तो अब वीक होने की रीज़न क्या है और उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको दो तरीके हैं हमारे पास। एक डिज़ीज़ है हमारे पास मायोपिया। बेटा मायोपिया हम ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमें दूर की चीज़ें सही तरीके से नज़र नहीं आती, ठीक है। तो जो अब दूर की चीज़ें सही तरीके से नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि जो इमेज बनता है ना वो रेटिना से आगे बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो ऊपर वाली डायग्राम यहाँ पे देखें, ये रेटिना जो पॉइंट है हमारे पास, तो ये यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा, ये इमेज बन रहा है आगे जाके, ठीक है। तो जब आगे जाके इमेज बनेगा तो हमें सही तरह से दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आ पाएंगे। तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे? इसका इलाज बेटा हम कर सकते हैं यूजिंग कनकेव लेंस। जब हम कनकेव लेंस को यूज़ करेंगे, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस क्या करेगा, बिल्कुल ये आगे जाके जो लाइट्स डिस्टॉर्शन हो रही थी, लाइट में डिस्टॉर्शन हो रही थी, उसको बिल्कुल रोटीना पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल रोटीना पर फोकस कर देगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल क्लियरली हमारी आइज़ में आएगी। तो ये कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं, जो मोस्टली जो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं उनमें ये कनकेव लेंस ही होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आती है हाइपरमेट्रोपिया। बेटा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो सही तरीके से नज़र नहीं आती, ठीक है। और जो इसका इमेज बनता है वो बिहाइंड रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे बन जाता है। अब यहाँ पे देखें आप हाइपरमेट्रोपिया में ये बिल्कुल क्या हो गया, रडार से बाहर होगा, ये बिल्कुल पीछे जाके, यानी कि इसका क्या हो गया, इमेज बन गया। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, हमने कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको एक जगह पर फोकस करेगा और फोकस करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो बिल्कुल हमारी आईज़ आएगी, जिससे उस चीज़ का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये जहन में रखना है, अगर आपने आई साइड अगर आपकी दूर की वीक है, दूर को, तो उसके लिए वो मायोपिया है, तो उसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ होता है, और अगर नज़दीक ही हो तो उसको, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उसके लिए कन्वेक्स लेंस को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो बेटा मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे हमारे पास, सबसे पहले इब्न अल हाशिम था, तो इब्न अल हाशिम ने भी अपनी यानी कि बुक्स लिखी थी, उसमें बुक का नाम है बुक ऑफ ऑप्टिकल। तो इसमें उन्होंने बताया था भी किस तरह से लाइट यानी कि जो हमारी आँख है वो किस तरह से चीज़ों को देखती है और किस तरह से हम अगर आईज़ हमारी में कोई डिस्टॉर्शन हो जाए, हम उसे देख ना पाएँ, तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसने सबसे पहले पिन होल कैमरा बनाया था, तो पिन होल कैमरा की मदद से इसने सबसे पहले आँख की यानी कि तस्वीर ली थी। जिस तरह हमारी आँख काम करती है ना, तो इसने आँख की इमेज को, आँख के काम करने के फंक्शन को यानी कि मद्देनज़र रखते हुए इसने क्या किया था, पिन होल कैमरा बनाया था। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, पिन होल कैमरा किसने बनाया, तो आपने बताना इब्न अल हाशिम ने, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईयर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।